हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से स्टूडेंट्स वीज़ाज अवेलेबल रहते हैं न्यूजीलैंड में, जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा फाइल रखते हो तब, तो उसके बारे में मैंने बता दिया। तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और उसके साथ साथ सारी जो भी होल प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। आगे कोई भी वीडियो नहीं आएगा, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ें कैसे स्टेप बाय स्टेप होती रहती है। तो टोटल मैंने 11 स्टेप्स में ये सारी चीज़ें कवर की। तो सबसे पहला स्टेप्स ये है कि फाइंड कोर्स। दोस्तों, जब भी स्टडी के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको कोई कॉलेज में आपका कोर्स फाइंड करना पड़ेगा। जैसा कि आपने फाइंड कर लिया, और अगर आपको ये जो भी फाइंड करना है कि कौन से जेन्युइन वेबसाइट से और सॉरी कौन से जेन्युइन कॉलेज से न्यूजीलैंड के अंदर, तो उसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, जो यहाँ पर मैं बेल आइकन पर आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ जाके चेक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे देता हूँ, तो आप आसानी से वहाँ पर देख सकते हो कि कौन से कोर्सेज आपको अवेलेबल है और कौन से कॉलेजेस आप कैसे फाइंड कर सकते हो उसके बारे में। तो फर्स्ट स्टेप्स कि अपने कोर्स फाइंड करना है। सेकंड स्टेप्स कि आपको ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है। तो जब भी आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हो तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर ज़रूरत रहती है। तो आपको बेसिकली नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगते हैं, जैसे कि आपका बेसिक रिज्यूम रहता है, जहाँ तक आपने स्टडी की है वहाँ तक का, जितने भी स्टडी की वहाँ तक का पूरा आपका रिज्यूम बनाना पड़ेगा। और सेकंड की आपके जितने भी रिसेंटली पास आउट जो भी रिजल्ट है, आपने जितने भी एकेडमिक जो भी रिजल्ट रहेंगे वो आपको वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। और जो थर्ड है वो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि बेसिकली आपके जो भी आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, तो जो भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाने पड़ेंगे। तो नॉर्मली ये जब भी आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हो तो नॉर्मली जो पूछते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज आपके पास से कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करती है, तो वो आपको दिखाने पड़ेंगे। तो बेसिकली तीन मोस्टली ये चीज़ों में कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप्स, थर्ड स्टेप्स ये है कि आपको जब भी आप ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आपको फंड अरेंज करना रहता है। तो फंड अरेंज कैसे करोगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और कौन से फंड से जो आपको लीगली आप वहाँ पर दिखा सकते हो। तो फर्स्टली सेविंग अकाउंट्स के जो भी आपकी सेविंग्स मनी है वहाँ पर आप वो दिखा सकते हो। जो भी सेविंग्स है वो आपके मदर या फादर की होनी चाहिए, या फिर बहुत ही क्लोज के जो भी कोई रिलेटिव है, बहुत ही जो भी ब्लड रिलेशन वाले जो भी रिलेशन है, तो उनकी जो भी सेविंग्स है वो भी आप कवर कर सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करो कि जो भी आपके मदर एंड फादर की जो भी सेविंग है वो दिखाने की। और सेविंग्स हो गया, सेकंड की एफडी जो भी फिक्स डिपॉजिट रहती है वो, थर्ड की रिकरिंग फंड्स जो भी रिकरिंग फंड्स होते हैं आपके मदर या फादर के, तो वो आप दिखा सकते हो। फोर्थ की एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन आप ले सकते हो किसी भी आपकी स्टडी पर। तो मोस्टली मैं प्रीफर ये करता हूँ कि एजुकेशन लोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ है वीज़ा फाइल रखने में, तो आप वो दिखा सकते हो, एजुकेशन लोन ले सकते हो, वो इजी पड़ेगा। तो ये टोटल चार स्टेप्स है, और ये चार चीज़ों है जहाँ से फंड अरेंज कर सकते हो, और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अकॉर्डिंग, जैसे कि आपके सेविंग्स है तो आपके सिंपल सी चीज़ें कि वहाँ का जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट्स होगा वो दिखाना पड़ेगा। और अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो फिर आपकी जो भी वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी, जो भी अगर आप प्रॉपर्टी पे ले रहे हो या फिर किसी और चीज़ पर, तो ये डिपेंड करता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर वहाँ से आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोन ले रहे हो या फिर जहाँ से आप फंड दिखा रहे हो, तो फंड्स के डॉक्यूमेंट्स आपको कवर करने होंगे इस वीज़ा फाइल रखने में। तो मैंने टोटल यहाँ पर तीन चीज़ें बताई, फर्स्ट फाइंड कोर्स, सेकंड की ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कैसे करना, यानी कि ऑफर लेटर अप्लाई में कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, थर्ड की फंड्स कहाँ से और कैसे अरेंज करते हैं, कौन से लीगली है, और जो अभी फोर्थ नंबर पर जो भी स्टेप्स है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट्स। और मेडिकल सर्टिफिकेट्स आप जो भी वेरीफाइड हॉस्पिटल से वहाँ से आप निकाल सकते हो, तो आप इमिग्रेशन की जो भी वेबसाइट है वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सी हॉस्पिटल्स वेरीफाइड है, और वहाँ से आप सर्टिफिकेट्स निकाल सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट मोस्टली प्रोबेबली एक वीक में या फिर जब भी आप एग्जामिनेशन पास करके निकलते हो तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो जो भी फाइव स्टेप है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर दो दो चीज़ें कवर होती है, मोस्टली PCC और PVC।
तो यहाँ पर पीसीसी और पीवीसी के दोनों डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स है। पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और जो सेकंड है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको दो अलग जगह से मिलते हैं, बट वो भी एक ही डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है। वो बेसिकली आपको बता देंगे जो भी आपके एजेंट होंगे वो, या फिर जब भी आप फाइल रखते हो तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स बताई देंगे कि कौन से, जो मोस्टली प्रॉबेबली न्यूजीलैंड में पीवीसी पीवीसी या फिर पीसीसी आप दोनों में से किसी भी को भी रख सकते हो। तो पीसीसी आपको पुलिस जो भी वीज़ा सॉरी पासपोर्ट ऑफिस से वहाँ से मिल जाएगा, और पीवीसी पीवीसी आपको नज़दीक के किसी भी पुलिस स्टेशन में से आप पीवीसी जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वहाँ से निकाल सकते हो। जैसे आपको वहाँ से वहाँ पे जाना है और आप वहाँ पे बोलोगे कि मेरे को पीवीसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे उनके, तो वो आपसे मांगेंगे और वहाँ से निकाल सकते हो आप। और जो भी सिक्स स्टेप्स जो है वो है अदर जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स। अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या बचा कि या फिर आपके जो भी क्लोज रिलेटिव्स के कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि ब्रदर या फिर कोई सिस्टर है आपकी ब्लड रिलेशन में, तो उसके आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, और मदर एंड फादर के जो भी पैन कार्ड होंगे या फिर आईटी रिटर्न्स होंगे, जितने भी फंड दिखा रहे हो तो उसका आईटी रिटर्न भी होना चाहिए आपके पास। तो और जो भी आपके फोटो कॉपीज है वो रखना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक या फिर लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में पूरा स्कैन करके भी रखना, तो ये आपको आगे जाके काम में आएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए और ये सिक्स स्टेप्स हो गए। उसके बाद सेवन स्टेप्स में आता है कि आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल रखते हो। अभी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल रखने में आपको 295 डॉलर लगते न्यूजीलैंड के आई थिंक, बट 295 डॉलर आपको वीज़ा फाइल रखने के होते हैं। तो जैसे कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना दी, उसके बाद आप जब भी वीज़ा फाइल रखते हो उसके बाद आपको वीएफसी जिसमें वीएससी आपको अप्लाई करना रहता है, और वीएससी ये प्रोसेस ये कि आपको वहाँ जाके वीएफसी ग्लोबल करके वेबसाइट है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि ये सारी ऑफिसेज रहती है और वो सारी जो भी वीज़ाज के जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करती है। जैसे कि आपका कोई भी पासपोर्ट्स डिटेल्स हैं तो आपको आपके पासपोर्ट वहाँ देना है, पासपोर्ट के जो भी डिटेल्स है वहाँ ऑफिस पर जाके आपको प्रोवाइड करनी रहती है। तो इसका भी थोड़ा सा चार्ज है जो इंडियन रुपीज़ में 747 समथिंग है, तो 715 अराउंड होंगे। तो इतने जो भी है वहाँ जाके आपको पे करने और आपके जो भी वीज़ा की जो भी आपके पासपोर्ट की डिटेल्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। तो जब भी आप प्रोवाइड करोगे तो वो जो वीएफसी वाले जो ऑफिसर है वो आपकी जो भी पासपोर्ट की डिटेल्स है वो इमिग्रेशन म्यूजियम के साथ शेयर करेंगे और वो पूरी पूरी प्रोसेस में उनकी हेल्प करते हैं। तो आपने सारी चीज़ें अभी आपने इमिग्रेशन में डाल दिया और वीज़ा भी फाइल रख दिया, तो अभी ये सारी चीज़ें करने में 45 से 75 डेज लगते हैं। बेसिकली अभी बॉर्डर क्लोज होने की वजह से 75 डेज का, अभी जब भी वेबसाइट पर मैंने चेक किया तो 75 डेज का टाइम लिमिट था कि उसके अंदर आपकी जो भी डिसीज़न है वो आपको सेंड कर देंगे। फाइनली अभी उसके बाद आपको आता है एआईपी। एआईपी अप्रूवल इन प्रिंसिपल है जिसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है कि 90% श्योरिटी, मैं बोल सकता हूँ 90% श्योरिटी है कि आपको ये श्योरिटी देते हैं कि आपको वीज़ा मिल चुका है। अब जस्ट जैसे कि आपने फंड दिखाया था, फंड अभी पे नहीं करना था, तो जब भी आपका एआईपी लेटर, जैसे कि मैंने बताया अभी ये स्टेप में, तो ये स्टेप था नाइन स्टेप। तो जब भी नाइन स्टेप जब भी एआईपी लेटर आपके पास आ जाता है तो उसके अंदर आपके जो भी प्रिंसिपल्स जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो लिखी होती है। जैसा कि इसमें कुछ चेंज हो सकता है, ये पर्सन पर्सन टू पर्सन कभी कभी चेंज होता है। तो इसमें आपको फीस पे करनी होती है जो कॉलेज फीस है वो, सेकंड की आपका जो भी FTS है वो भी आपको पे करना रहता है, और मोस्टली ये एक ही साल के लिए पूरा पे करना रहता है। अगर आपकी स्टडी 3 साल की है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 साल का बोला जाता है, बट ये माइट भी चेंज हो सकता है।
बट मोस्टली अगर आपका एक साल का कोर्स है तो आपको एक साल की जो भी लिविंग एक्सपेंस है वो और स्टडी फीस है वो पे करने रहती है। और कभी कभी इसमें चेंज होता है कि आपको जस्ट एफटीएस ही पे करना है, कॉलेज फी आप पे नहीं करोगे तो भी चलता है, और कभी कभी एफटीएस पे नहीं करना रहता है लेकिन कॉलेज की फ़ीस पे करनी होती है, और कभी कभी दोनों ही चीज़ नहीं होती है और डायरेक्टली आपको जस्ट अप्लाई करना होता है ई वीज़ा के लिए। तो जैसा कि आपके पास आप मेरा मेरा सिनेरियो ये था कि मेरे को स्टूडेंट फीस और लिविंग एक्सपेंस दोनों ही पे करने थे, तो मैंने जब भी पे किया उसकी जो भी रिसिप्ट आई मेरे पास जो बैंक की, जब भी आप पे करते हो उसके बाद जो भी रिसिप्ट आती है वो सारी रिसिप्ट आपको इमिग्रेशन में प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब भी आप इमिग्रेशन में प्रोवाइड करते हो उसके 2 या 3 दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये या फिर 2 या 3 दिन के बाद आपको ईमेल आ जाता है ई वीज़ा का। तो फाइनली जो 11th स्टेप है ये कि जिसके अंदर आप ई वीज़ा आपके पास आ जाता है और ई वीज़ा में आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी जो भी कंडीशन है उसके साथ, और अभी आपको जस्ट फ्लाइट बुक करनी है और जस्ट न्यूजीलैंड के लिए आपको रेडी हो जाना है कि बैग पैक कर दो और चलिए न्यूजीलैंड के लिए। तो पूरे 11 स्टेप्स में मैंने पूरी सारी चीज़ें समझा दी, कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से और कैसे ले सकते हो। तो बस ये 11 स्टेप से जैसे ही आपके पास ई वीज़ा आ जाते हैं तो उसके बाद आप जस्ट फ्लाइट बुक करके आ सकते हो, न्यूजीलैंड में एंटर हो सकते हो। बट चेक करना आपके जो भी वीज़ा डिटेल्स है उसके अंदर पूरी डेट्स के हिसाब से लिखा होता है कि कौन सी डेट पे आप एंट्री ले सकते हो और कितने टाइम के अंदर आपको एंट्री ले लेनी चाहिए, और कभी कभी वो 3 मंथ या फिर 2 मंथ का जो भी लिमिटेशन रहता है वो। तो मोस्ट प्रोबेबली सारी जब भी ई वीज़ा आ जाए तो बैठ कर सारी चीज़ें पढ़ लेना जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से। तो बस यही पूरी सारी चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो जो भी लोग न्यूजीलैंड आ रहे उनके साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और जो भी आपके कमेंट्स है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना और सब्सक्राइब करना, बस इतना सा ही सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से, और जितने भी आप कमेंट्स करते हो उससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है मेरे को। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।